स्वागत है आपका लाइव जर्नलिस्ट में और मैं नाजिम खान बात करेंगे आज उस खबर को लेकर के जो कल चर्चाओं में थी। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद बच्चों को प्रमोट करने के बाद देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन बच्चों से उनके परिवार वालों से उनकी फैमिली से बात करते नजर आए। तमाम मीडिया में खबर चली लेकिन चर्चा का विषय नहीं बना। शायद हो सकता है उस तरफ किसी का ध्यान ना गया हो लेकिन ध्यान हमारा गया, हम आपके सामने रख रहे हैं और खबर देखने के बाद हो सकता है आप भी गहराई से इस बारे में सोचेंगे। देश के प्रधानमंत्री का उन लोगों से उन फैमिलियों से बात करना कितना उचित था क्योंकि देश में जब कोरोना महामारी आई लगभग 300 से ज़्यादा पत्रकार जान गंवा चुके हैं और सामान्य लोगों की मौतों का आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, अब धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। अभी भी 24 घंटे के अंदर 3000 मौतें देखी गई हैं। कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना गया नहीं है, गायब नहीं हुआ। क्या देश के प्रधानमंत्री को उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी जो कोरोना के चलते अपने परिवार खो चुके हैं, बीवियाँ खो चुके हैं, माँ बाप खो चुके हैं, बच्चे गंवा चुके हैं, उनका दुख नहीं बांटना चाहिए था, उनके लिए दो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। पहले आप वो वीडियो देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अरे छोड़िए परीक्षा वरीक्षा की बात तो ख़त्म कीजिए, कुछ और बात करिए। तो हंस करके एक मैडम साहिबा जवाब देती हैं हाँ आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है कैसा तो शाहरुख खान से मिलकर भी इतना मज़ा नहीं आता जैसा आपसे लग रहा है। सुनिए उस वीडियो को फिर आगे बात करें। थैंक यू सो मच सर, आपका डिसीजन बहुत ही बढ़िया था हमारे बच्चों के लिए। मैंने अभी सबको कहा कि आप इस निर्णय से बाहर जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए, कुछ और बातें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल, और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और ये बहुत अच्छा था सर। यू आर द बेस्ट। और अभी जो हम अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम देखेंगे तो उसमें यही चाहेंगे कि ये इस समय का सदुपयोग करें और अच्छे से आगे जाके अपना करियर बनाएं। वीडियो आपने सुना, वीडियो उसी दौरान का है जब देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैमिली से बात कर रहे थे। क्या देश के प्रधानमंत्री को उन पत्रकारों की फैमिली से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या देश के प्रधानमंत्री को देश वासियों के उन परिवारों से बात नहीं करनी चाहिए थी जो कोरोना के चलते लोगों के घर तक उजड़ गए, फैमिली तक खत्म हो गई? अब सवाल यही, क्या देश के प्रधानमंत्री ने यह सही किया? उन लोगों पर तो ध्यान नहीं। जगह जगह से ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई जिसको देखकर अंदर की आत्मा भी कांप उठी। लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, ए भगवान बस कर, बचा बचा इस ब्रह्मांड को, ये क्या हो गया अचानक से, कहां से इतनी बड़ी महामारी लौट आई? सब धर्म जाति सब कुछ भूल चुके थे, एक दूसरे की मदद करने में व्यस्त से लगे हुए थे, सब इस चीज़ से निकल करके ऊपर आ चुके थे, सबका ध्यान डाइवर्ट हो चुका था। जिस देश जिस नाम से जिस काम से भारत को जाना जाता है सब उस तरफ मुड़ चुके थे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हरियाणा के अंदर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, बुलंदशहर मॉब लिंचिंग करके एक मुस्लिम को मौत के घाट उतार दिया जाता है, फिर से वही तांडव शुरू कर दिया गया। क्योंकि तब जब एक होने लगता है ना, दो धर्म के विशेष के लोग जब एक होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंता होने लगती है। यूपी में भी अभी तक 37 पत्रकारों की मौत हो चुकी है, उन 37 में से एक पत्रकार से भी देश के प्रधानमंत्री ने बात की, पत्रकार की फैमिली से बात की, क्यों नहीं की? क्या वे उस देश के वासी नहीं है, किस देश के नागरिक नहीं है? वो जरूरी लगा प्रधानमंत्री को कि उन बच्चों से बात कर ली जाए? अरे बात करनी थी उन बच्चों से, करते तब वो बताते जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए इस कोरोना के चलते, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, अगर हॉस्पिटल पहुँच गए तो वो आपको बताते कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। फिलहाल इस खबर के बारे में जो भी आपकी राय हो कमेंट्स करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी एक अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइव जनादेश, सदैव सच्चाई के साथ।